अब आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं भाई साहब श्री समित पात्रा से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधन करें। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और मंच पे मेरे साथियों का अभिनंदन। सबसे पहले तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे पुनः एक बार हिमाचल के इस पवित्र भूमि में आने का मौका मिला और स्मार्ट सिटी धर्मशाला यहाँ कदम रखने का मौका मिला। मैं आज के इस शुभ अवसर पर देवी चामुंडा, ब्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला जी और चिंतपूर्णी माँ को बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। उनके बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हम एक भी कदम आगे बढ़ सके यह संभव नहीं है। और आज मैं बड़े स्पष्ट रूप से धर्मशाला में हिमालय के गोद में, धौलधारा की गोद में बैठकर ये कहना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में जो नवंबर के माह में होने वाला है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल में स्थापित होने वाली है, हिमाचल में बनने वाली है। जो मुख्य नरेटिव रहा है और जो मुख्य विषय रहा है हिमाचल के चुनाव का, और यूं कहिए कि पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश के चुनाव का, वह विकास का है, वह उन्नति का है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार उन्नति के, विकास के धारा को आगे बढ़ाया है, हिमाचल प्रदेश में भी इस चुनाव में मुख्य उद्देश्य यही रहने वाला है। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि लगभग 55 वर्षों से जिस प्रकार कुछ विषय निलंबित थे, 55 वर्षों से हट्टी समुदाय का विषय लंबित था, पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के कारण, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद के कारण और आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के अथक परिश्रम के कारण हट्टी समाज के हमारे बंधुओं को जिस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ा गया है, आज उनको लाभ दिया गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ, एक चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं निरंतर हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने क्या किया है, उस पर अध्ययन करता रहता।